गुरदीप, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? अब आपने कह दिया तो मुझे पूछना पड़ेगा। गुरदीप सपल बनना चाहिए। हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट फोकस है, हमको सीटें जीतनी हैं और फिर मिलकर तय होगा कौन पीएम बनेगा। ये बात खड़गे जी अलग अलग मंच से बोल चुके, ये बात राहुल जी बोल चुके। याद कर लीजिए एनडीए की इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बोला गया, चेन्नई के अंदर जब स्टालिन साहब के जन्मदिन पर बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई थी वहां मंच से बोला गया, एक दो चैनल्स के कंक्लेव में भी बोला गया। हमारे फोकस बिल्कुल क्लियर है, सवाल ये नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सवाल ये है कि देश के युवाओं की नौकरी की चिंता कौन करेगा, एक सवाल और, छुटकारा कौन एक सवाल और। हम कह रहे हैं कि आपने 10 साल मोदी सरकार, आपने मुझे करेक्ट भी किया शुरू में एंड थैंक्स फॉर दैट। थोड़ा सा ये तो बता दीजिए कम से कम राहुल गांधी दो सीट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मत बताइए कौन सी सीट से लड़ेंगे। कुछ सस्पेंस रहने दीजिए देश के अंदर, सस्पेंस जब खुलता है सबको मजा आता है, धीरे धीरे करके सस्पेंस खुल जाएगा। ये ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल गुप्त हमेशा रहेगी, इसकी एक डेडलाइन है, डेडलाइन तक सब सामने आ जाएगा। ठीक है ओके, ओके शहजाद, क्या प्रधानमंत्री दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहिए? मैं दोनों मुद्दों पर आता हूँ। पहले मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि अब उद्धव सेना के भी दो फैक्शन हो चुके हैं, उद्धव सेना एस मतलब संजय राउत जो बोलते हैं कांग्रेस जीरो पार्टी है, और उद्धव सेना किशोर जो आके कहती है कि इतनी लहर है महाराष्ट्र में कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। मान्यवर आपने अच्छा किया, आपने संजय राउत की बातों को झूठा साबित किया, उसके लिए उद्धव सेना किशोर का मैं आभारी हूं। उद्धव सेना किशोर ऐसे ही चलती रहे, पता चले कितने उद्धव सेना बन जाएंगे, हर एक आदमी उद्धव सेना बन जाएगा। एनीवे छोड़ देते, अब जहां तक सवाल है दो सीटों पर लड़ने का, ऐसा है मानक जी हमारी पार्टी में ये निर्णय शहजाद पूनावाला, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह या ये लोग नहीं करते। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को सुझाव आते हैं सीईसी के, सीईसी को सुझाव आते हैं हर जगह के कोर कमिटी मीटिंग के बाद परामर्श के। यदि ऐसा कोई परामर्श में ऐसा कोई आएगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, परंतु हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि हमारे नेता इतने सक्षम हैं कि वो जहां पर भी जाते हैं भाजपा के वोट में इजाफा करते हैं। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं मोदी जी देश में किसी भी सीट से लड़ेंगे तो आराम से जीत लेंगे चुनाव? मुझे एक बात बताइए कि आज की तारीख में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हर जनमानस समर्थन दे रहा है, क्या कोई डाउट है कि मोदी जी मतलब एडिशनल वोट फॉर बीजेपी? और दूसरी ओर मुझे बताइए, सुनिए 10 सेकंड, उसमें बहुत है महत्वपूर्ण है, अमेठी तो स्मृति ईरानी जी तो अभी एक चुनाव जीती है ना, पुश्तैनी सीट तो राहुल और उसके परिवार की है, वो अपनी पुश्तैनी सीट पर नहीं जा पा रहे भाई। पुश्तैनी सीट में तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना, मैं लिस्ट तो आने दीजिए। अरे आप कह रहे नहीं जा पा रहे, अरे सुनिए नहीं जा पा रहे आने तो दीजिए। इसके लिए बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर और उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। रायबरेली वाली सीट छोड़कर मैडम राज्यसभा के रूट में चली गई, तो परिवार वो तो उनकी सेहत और उम्र है उसका थोड़ा सा सम्मान करें। राज्यसभा में क्या जिनकी सेहत ठीक नहीं होती वो जाते हैं? आपको पता है लोकसभा चुनाव लड़ने में मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर सोनिया जी की उम्र और सेहत आपको पता है, बकायदा पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सोनिया जी लोकसभा छोड़कर राज्यसभा उम्र और सेहत की वजह से जा रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पर संजय जी बैठे हैं, उनसे पूछे कि जब कांग्रेस का ऐसा काल था जहां पे कांग्रेस ही कांग्रेस थी, केवल नामांकन भरना और हाथ हिलाना और आ जाना और पूरे वोट एक तरफा पड़ते थे, ऐसा दौर था, मतलब आज आप मान रहे ना कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि जो है वो स्थिति नहीं है, आपने काम नहीं किया। अनुपम मिश्रा एक सवाल, अनुपम क्या जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे और आप भी सारे बीजेपी कांग्रेस की तरह बड़े बड़े चेहरों को अपने जो भी हैं क्या उतारेंगे? मानक जी हमारी तो सीट पहले ही घोषित कर दी गई, हमारी दो सीट थी, हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए और हमने अपनी उस सीट से भागपत से हमारी पार्टी भी जो पिछले 45 वर्षों से लगातार पार्टी के लिए संघर्षरत थे, हमने अपने एक साधारण से कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दे दिया है। दूसरी सीट पे हमने अपने सिटिंग एमएलए को, विधायक को टिकट दे दिया है। तो ये देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि सप्पल जी अगर ये बताएं कि राहुल जी अगर अमेठी और पायनाड से लड़ेंगे तो अगर पहली बात तो जीतेंगे नहीं, लेकिन अगर जीत गए हो, खुदा ना खास्ता अगर दोनों जगह से जीत जाए, तो ये बताएं आप इस्तीफा कहां से देंगे? अब आप फंसा रहे हो उनको। गुरदीप ओके ओवर, गुरदीप आपकी बारी। हाँ बोलिए गुरदीप, जल्दी से बता। देखिए मानक जी, काश कि इन्होंने मोदी जी से पूछा होता 2014 में कि गुजरात और वाराणसी के बीच में कौन सी सीट से आप इस्तीफा दोगे। इस देश में दो सीट से लड़ने की परंपरा पहली बार तो नहीं है। मोदी जी का डर रहे थे जब दो सीट से लड़े थे 2014 के अंदर, क्या मोदी जी भाग रहे थे कहीं से? सवाल ये नहीं है। इस तरह के डायलॉग बाजी का
कोई मायने भारत की राजनीति में नहीं है। आरएलडी को तो जवाब ये देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे, ये देना चाहिए कि जिस टेनी ने किसानों को कुचला उस गृह मंत्री टेनी के साथ वो खड़े होकर प्रचार करते ओके, अनुपम आपकी बारी बोलिए, वो कितना उचित है, इस बात पे जवाब देना चाहिए। तपल जी आपको तो जवाब फिर 1984 के दंगों का भी ले लेना चाहिए था, उस पे ना जाए, वरना आपको जवाब, आप एक उंगली उठाएंगे तो पांच आपकी तरफ फेंकेंगे। उसका जवाब भी मैं दे देता हूं, उसका भी जवाब दे देता हूं। जब आप नहीं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप होमवर्क करके तो आया करिए, जवाब दे दीजिए। आपने बिना होमवर्क के बताए, हम जब बात कर रहे हैं, हमने आपसे बहुत पहली शुरुआत में ये स्पष्ट किया, हमारी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, हमारे किसान संघर्ष रहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका हम समाधान चाहते हैं। हम अपने किसानों को सड़कों पर आंदोलन करते हुए आने वाले समय में अब नहीं देखना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं सरकार के साथ, हम उसका एक निश्चित हल निकाल रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी किसानों के हक में एक अच्छा फैसला लेके आएंगे। तो हमारा सबसे पहले एजेंडा बहुत क्लियर है क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए। एक इंटरवेंशन जरूरी है मेरा, इन्होंने कहा टेनी के पुत्र किसान की समस्या नहीं है, बीच में उनके बारे में आप नहीं बोले, बीच में नहीं, 10 सेकंड। इन्होंने कहा टेनी के पुत्र पर आरोप है तो टेनी को टिकट दे दिया, अफजल अंसारी को किसने टिकट दिया मान्यवर, और गायत्री प्रजापति को बीवी को किसने विधायक बनाया मान्यवर, वो तो कन्विक्टेड है दोनों। और सुन लीजिए आप लोग किसान किसान करते हैं, और ध्यान से सुनिए, केरल में एपीएमसी लागू नहीं है, एपीएमसी एक्ट, वहां पे सरकारी मंडी नहीं है। आप बताइए वायनाड के सांसद कब लागू कराएंगे एपीएमसी एक्ट, आप तो एपीएमसी एक्ट चाहते थे ना, मंडी कब लागू करवाएंगे वो बताइए। गुरदीप बोलिए, केरल में एपीएमसी एक्ट इसलिए लागू नहीं है क्योंकि वहां का लोकल एक्ट और ज्यादा अच्छा है। वाह जी वाह, तो पंजाब में कर दीजिए एमएसपी, आप अपने स्टेट में कर दीजिए, हिमाचल में कर दीजिए, किसने रोका, हिमाचल में कर दीजिए, रबड़ पे भी एमएसपी है, हिमाचल में फिर कर दो, हिमाचल में कर दो, अभी नहीं स्टेट वाइज कर सकते ना, हिमाचल में करो। अब मैं कांग्रेस से कह रहा हूँ चुनौती देकर करो, हिमाचल में करो, कर्नाटक में बहुमत की सरकार, ओके ओके करो, कर्नाटक में वही एक्ट कर्नाटक में लाओ, आवाज पूरी नहीं, केरल का एक्ट कर्नाटक में लागू कर दो, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। क्यों लाएंगे, कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के लिए, एक मिनट शहजाद जी, कर्नाटक के लिए, तेलंगाना के लिए और देश के लिए एमएसपी को लीगल बनाने का वायदा हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, सुनिए, आपने घुमाया, मोदी जी ने पंजाब चुनाव के पहले किसानों को बुलाकर बोला, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हम ला रहे हैं फैसला, 2 साल हो गए, भाग गए, कहीं ना कहीं दिखते नहीं है, हम तो कह रहे हैं हम लेके आएंगे, एमएसपी का प्रावधान हम ही लाए थे, आपकी सरकार नहीं लाई, कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट की हरित क्रांति भी लाई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही ये तमाम चीजें की देश में, जो आज आप इतने सुकून के साथ अपना अनाज खाते हैं, ये मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। टाइम वेस्ट हुआ, केरल के लिए स्पेशल अलग कानून है, ठीक है, बाकी राज्यों के फेडरल स्ट्रक्चर का गुणगान करने वाले लोग कह रहे हैं कि केंद्र का कानून है, मान्यवर आपको लगता है बेहतर कानून आप ला सकते हैं, जहां पर सरकार है वहां पे लागू करो, केरल के पास अधिकार है ना, आपने बताया उनके पास बेस्ट कानून है, वही लागू कर दो मान्यवर, और देश भर में तो एपीएमसी की वकालत की आपने, केरल में एपीएमसी ना हो। आज ये पूरी तरह से कांग्रेस का दोहरा चरित्र मैंने एक्सपोज किया, किसान भाइयों देख लो ये कितने चेहरे लगा के आते हैं, नकाब के पीछे इनका असली चेहरा देख लीजिए, केरल में अलग वकालत, कर्नाटक माने जी, हाँ बोलिए माना जी, जब झूठ पकड़ा गया तो बगले झांकने लगे, इन्होंने क्या बोला एपीएमसी नहीं है, मैंने जवाब दिया एमएसपी है, बेटर है, तो उस पे जवाब दीजिए, लड़ाई तो आपकी सरकार ने किसानों से वायदा किया, आप केरल का कानून स्टडी करके आपने देश में लगाए, कानून एपीएमसी हटा रखा आपके, आपने किसानों के साथ झूठा वायदा कर रखा है। आप मुझे इतना बता दीजिए शहजाद जी, इतना बता दीजिए, इस देश के अंदर जो ये समृद्धि है किसान की, जो एक देश पूरी दुनिया के अंदर धान में, सब्जियों में, फलों में, मसालों में, तेल में, दूध में टॉप पर है, वो किसके राज में पहुंचा? ओके, आपको खत्म हो गया।